बॉस के नए सीजन का आगाज 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और आज हुई बिग बॉस 14 की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कई चीजों का खुलासा हुआ और साथ ही दिखाई गई बिग बॉस के घर की पहली झलक। बिग बॉस 14 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बिग बॉस के घर की झलक देखने को मिली उससे साफ नजर आ रहा है कि इस बार बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को काफी फायदे और रियायतें मिलने वाली है। जैसा कि हमने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया था कि इस बार बिग बॉस के घर में बीबी मॉल भी होगा जहां कंटेस्टेंट्स शॉपिंग कर पाएंगे। इसके अलावा बिग बॉस के घर में थिएटर भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जहां पर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स मूवी का भी मजा ले पाएंगे। इसके अलावा बिग बॉस के घर में इस बार रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स क्लब को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि इस बार बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को काफी कुछ रियायतें मिलने वाली हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा ये अभी साफ नहीं हुआ है। जहां तक खबरों की माने तो कंटेस्टेंट्स को कास्ट जीतने के बाद ही पॉइंट्स के अनुसार इन चीजों का इस्तेमाल करने की रियायतें मिलेंगी। हालांकि देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन चीजों को पाने के लिए कंटेस्टेंट्स को किस किस तरीके के टास्क से गुजरना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि इस बार बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को फोन भी अलाउड होगा। जी हां, अब तक आपने देखा होगा कि बिग बॉस के जितने सीजन हुए हैं उनमें बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को 3 महीने तक बिग बॉस के घर के अंदर दुनिया से दूर अलग बंद रहना पड़ता था, लेकिन अब बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को फोन अलाउड होंगे। हालांकि वो इन फोन से किसी को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन फोन का यूज वो केवल व्लॉगिंग के लिए और इंटरनेट पर अपने फैंस से कनेक्ट होने के लिए ही कर सकते हैं। आपको बता दें इसके अलावा बिग बॉस के घर में कई और रियायतें भी दी जाएंगी। साथ ही महामारी के चलते बिग बॉस के घर में इविक्शंस में भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार इविक्शन का सीधा कनेक्शन हेल्थ से होगा। अगर किसी भी कंटेस्टेंट की हेल्थ किसी भी कारण थोड़ी सी भी खराब होती है तो उन्हें तुरंत बिग बॉस के घर से जाना होगा। इसके अलावा वीकली बेसिस पर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा जिस बिहाफ पर उनके आगे की जर्नी तय की जाएगी। इसके अलावा इस बार बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच कोई भी फिजिकल टास्क नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले सीजन में फिजिकल टास्क की वजह से शो को काफी टीआरपी मिली थी, लेकिन इस बार महामारी के चलते घर के अंदर कोई भी फिजिकल टास्क नहीं रखा गया है। इसके अलावा इस बार बिग बॉस के घर के अंदर डबल बेड्स भी मौजूद नहीं होंगे, सिंगल बेड्स रखे गए हैं। उन सिंगल बेड्स के बीच भी काफी डिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंटेस्टेंट्स भी एक दूसरे से सीधा कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि उन्हें बिग बॉस के घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हालांकि देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन सब रूल और रेगुलेशंस के साथ बिग बॉस के मेकर्स बिग बॉस को इस बार कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं और शो की टीआरपी कैसे आगे बढ़ती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।